हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मिहिर पटेल हियर फ्रॉम एमपीज इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। यू ऑल आर वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड 11 साइंस, दैट इज चैप्टर नंबर 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज के इस सेशन में हम रोटेशन मोशन के इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी के बेसिक्स और उसके डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द बेसिक्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन। लेट अस स्टार्ट। सो इफ यू गो थ्रू द फर्स्ट कंसेप्ट, दैट इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट वर्ड आपको पता है और एंगुलर दैट मीन्स एंगल कॉन्सेप्ट भी आपको मालूम है। कैसे? सिंपल, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूँगा तो वो सिंपल डी था, लेकिन एंगुलर कॉन्सेप्ट को हमने हमारे प्रीवियस सेशन में स्टडी किया था, और वो जो प्रीवियस सेशन हमारा था वो याद करो आप सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल का। सो ऑब्वियसली जो हमारा प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट था उसमें हमने ये पूरा इक्वेशन डिराइव किया था, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अल्टीमेटली ये होता क्या है, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट हम पार्टिकल की पोजीशंस को डिफाइन कर दे। मान लो कि ये पोजीशन पहले बी है और सपोज टू बी पार्टिकल इस डिरेक्शन में मूव हो रहा है, राइट? सो इट इज मूविंग टूवर्ड्स द पॉइंट ए। तो सिंपली हमें यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट होता हुआ दिखता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली हमको आइडेंटिफाई करना है, तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये एंगल। तो बेसिकली मैं आपको बोलूं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें लिखना है तो उसमें दूसरा कुछ नहीं लेकिन सिंपली हमको प्लेन एंगल का ही इक्वेशन लिखना होगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मुझे हमें डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लेन एंगल ही हमें याद करना पड़ेगा। बेसिकली जो एंगल में डिस्प्लेस होता है दैट मीन्स एंगुलर पॉइंट को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आर्क अपॉन रेडियस जो हमारा यहाँ पर अवेलेबल है उसमें अगर हम कोई डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर रखते हैं तो सिंपली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंपल यूनिट क्या हो जाएगा सबसे पहले, तो वो सिंपल यूनिट तो क्या हो गया, रेडियन। क्या हो गया, रेडियन, सिंपल उसका यूनिट हो गया। ये जो यूनिट उसका मिला, उसके बाद अगर मैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखने को बोलूं तो आप थोड़ा सा अगर दिमाग में लाओगे तो थीटा इज इक्वल्स टू बेसिकली हुआ क्या, यहाँ फॉर्मूला तो हमारा ओरिजिनल वाला ही है, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ बट ऑब्वियस ये L1 हो गया और ये L1, तो फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, L0। सो उस केस में हमें यहां पर क्या मिला, ऑब्वियसली हमें ये मिला कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, दैट इज M0 L0 T0। उसका मीनिंग ये हुआ कि ये डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी बनेगी। ये क्या बनेगी, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। अभी आप एक चीज शॉर्ट में याद रखिए, जहां भी वर्ड एंगुलर आएगा तो ऑब्वियसली उसके केसेस में जो हमें यहां पर आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, तो वो आइडेंटिफिकेशन में अगर रेडियन आएगा तो रेडियन के कंसेप्ट में कौन आएगा, प्लेन एंगल, और उसके कंसेप्ट में डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, जीरो। दैट मीन्स द क्वांटिटी विल बी डायमेंशन लेस। ओके, सो क्लियर विद दिस सिंपल कॉन्सेप्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलो या फिर प्लेन एंगल बोलो, दोनों के रिलेशंस आपको सेम ही मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। अभी आप सिंपल वेलोसिटी को याद कर लो पहले। सिंपल वेलोसिटी क्या था बोलो, v इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी था, उसका हम सिंपल यूनिट क्या लिखते थे, मीटर पर सेकेंड। क्या लिखते थे, मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर आप सिंपल, मैंने क्या बोला, एंगुलर, तो एंगुलर आया तो ऑब्वियसली यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रेडियन। वेलोसिटी है ना, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन, हम क्या लिखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या लिखेंगे, टाइम।
सिंपल, तो हम एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से, और उसका जो हम आइडेंटिफिकेशन लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम बोलते हैं थीटा, अपॉन हमारा हो जाएगा टाइम। अभी आप देखो हमने क्या किया, ये लीनियर मोशन बोली जाती है, क्या बोली जाती है, लीनियर मोशन, उसका हमें बेसिक इक्वेशन मालूम था। हमने यहां पर क्या किया, एंगुलर वेलोसिटी को आइडेंटिफाई करना था, तो सबसे पहले हमने ये डिस्प्लेसमेंट जो था उसकी जगह मैंने क्या बोला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो यूनिट क्या है उसका, रेडियन, और डिनोमिनेटर में टाइम है, उसमें तो कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी को हमने आइडेंटिफाई किया ओमेगा से, और उसका फॉर्मूला लिखा ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी। अभी सिंपल, अभी जैसे हमने ऊपर यहां पर डिराइव किया कि अगर रेडियन आएगा तो उसका तो डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ है नहीं, दैट मीन्स वो तो डायमेंशन लेस है। अगर वो डायमेंशन लेस है तो सिंपली यहां पर हमें क्या मिलेगा, ऊपर तो क्या हो गया जीरो, तो अल्टीमेटली वो तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो है ऊपर, तो सिर्फ नीचे क्या बचा, टाइम बचा। तो उस केस में हम सिंपल क्या लिखेंगे, हमारा फॉर्मूला यहां पर ऐसा था जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए था। अभी सेकंड के लिए लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, टी वन, लेकिन यही सेकंड अगर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, टी माइनस वन। सो ये हमें मिलता है हमारा फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी के लिए। सो आप देख सकते हो कि लीनियर मोशन के कंसेप्ट में एल वन आता था और टी माइनस वन आता था, यहां से एल वन गायब हो गया। जैसे आप देख सकते थे लीनियर मोशन में यहां पर डिस्प्लेसमेंट था तो L1 लिखते थे, लेकिन यहां पर एंगुलर वर्ड आया तो वो भी जीरो हो गया। मींस ये आपको सिर्फ फॉलो करना है। अभी उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। बेसिकली इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन इज व्हाट, इट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, इट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली हमें चेंज मीन्स ये डेल्टा की वैल्यू तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए कोई मैटर नहीं करती है। तो सिंपली जो ओमेगा है उसकी जगह मुझे क्या लिखना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखना होगा, ओके। और ये जो टी था डिनोमिनेटर में वो तो एज इट इज रहेगा। अभी मैं सिंपल इसके यूनिट्स बनाऊं तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा बोलो, रेडियन विच इज डायमेंशन लेस, विच इज डायमेंशन लेस, विच वन इज डायमेंशन लेस, और नीचे टाइम कितनी बार आया, दो बार है, तो यहां पर क्या लिखा हमने, सेकेंड का स्क्वायर। सिंपली जैसा कि मैंने बोला ये रेडियन डायमेंशन लेस है तो वो तो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, और नीचे जो सेकेंड स्क्वायर है उसको हम क्या लिखेंगे बोलो, टी टू। तो फाइनली ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टी माइनस टू, और ये बन गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। सो क्लियर विद दिस, वंस अगेन कीप इन माइंड एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, उसका बेसिक फॉर्मूला क्या रहेगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, बट डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए डेल्टा की कोई जरूरत नहीं है। हमने एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिखा, आप देख सकते हो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख दिया, टी ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था, टी इन टू टी क्या हो गया, टाइम का स्क्वायर हो गया, और सिंपली हमने डिराइव किया। आप देख सकते हो हमारा जो ओरिजिनल एक्सेलरेशन था ना उसमें क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो उसमें यहां पर एल वन आता था। मींस आप तीनों क्वांटिटी को कोरिलेट करो, जहां जहां एल वन आता था वहां वहां अभी आपको क्या दिखता है, एल जीरो, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी को अब हम देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम। और मैं बोलू ना तो ये क्वांटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका कॉन्सेप्ट तो स्टैंडर्ड 11th केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, बोहर्स हाइपोथेसिस मॉडल आएगा उसमें भी इसका डिटेल डिस्कशन होगा, और यहाँ भी हमारा रोटेशनल मोशन का जो चैप्टर है उसमें हम उसके डिटेल्स थियरी पढ़ने वाले हैं।
लेकिन मैं आपको सिंपल बोलता हूँ कि अभी बेसिक्स याद रखिए, डिटेलिंग हम रोटेशनल मोशन में पढ़ने वाले हैं। तो एंगुलर मोमेंटम को डिनोट किससे करते हैं, तो दैट इज कैपिटल एल। एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से। अभी कैपिटल एल सिंपली एंगुलर मोमेंटम अगर है तो हमें क्या करना है कि लीनियर मोमेंटम इज मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिंपल, लीनियर मोमेंटम इज मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप उसको d लिख सकते हो, r लिख सकते हो, s लिख सकते हो, राइट right? हाँ, तो इसको अभी मगअप करने की जरूरत नहीं है। क्यों, देख लो, ये तो बहुत सिंपल हो गया क्योंकि आपको लीनियर मोमेंटम तो मालूम है, हमने प्रीवियसली स्टडी किया हुआ है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था बोलो, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अभी जो ये डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को मैं क्या लिख देता हूँ, डी लिख देता हूँ, तो हो गया ये एम वी डी। अभी आप सिंपल ये पॉइंट को आइडेंटिफाई करो तो क्या हो गया, मास हो गया किलोग्राम, वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकेंड, और उसके साथ आपको क्या मिला, डी का डिस्टेंस अगेन दूसरी बार मीटर आया। तो चलो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि अभी तो कमांड आ गया है, एम वन आया, ये मीटर दो बार है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एल टू, और सेकेंड ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, टी माइनस वन। नाउ यू कैन सी दिस, एंगुलर मोमेंटम बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले आपको इजीली कैसे याद रखना है कि लीनियर मोमेंटम को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि लीनियर मोमेंटम आपको मालूम है, लीनियर मोमेंटम को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये लीनियर मोमेंटम m इंटू v होता है और जो डिस्टेंस होता है वो d है, तो ऑब्वियसली जो मास है ना उसको हम किलोग्राम बोलते हैं, जो वेलोसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली डिस्टेंस अपॉन टाइम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और ये जो d है वो है मीटर। तो किलोग्राम एक बार आया तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, m1 लिख दिया, मीटर यहाँ पर दो बार हो गया न्यूमरेटर में तो वो मैंने 1+1 2 लिख दिया, और सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सो आई थिंक ये एंगुलर मोमेंटम भी अभी परफेक्ट हो गया, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। उसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है फ्रीक्वेंसी, आप रीड कर सकते हो क्या है फ्रीक्वेंसी। सी फ्रीक्वेंसी बेसिकली है क्या ना, वो पहले आपको समझना है। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो बहुत इजी है लेकिन उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप देखो, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम बाय ए पार्टिकल। मीन्स मान लो कि आपने एक सेकेंड ले ली, कितनी, एक सेकेंड, और एक सेकेंड में वो पार्टिकल कितनी बार ऑसिलेट होता है, वो आपको याद रखना है, वो आपको यहां पर इंडिकेट करना है। इट इज डिनोटेड बाय न्यू, देखो इसको सिंपल वी मत रीड करना, इसको न्यू, और एल्स आप वो भी याद रखना, कई सारी रेफरेंस बुक्स आप पढ़ोगे तो उसमें फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से भी डिनोट करते हैं। सो प्लीज कीप इन माइंड, आइदर यू कैन स्पीक आउट न्यू और यू कैन सिंपली राइट डाउन द एफ दैट इज आइडेंटिफाइड फॉर फ्रीक्वेंसी। सो एज सिंपल एज दैट आई कैन से कि यहां पर जो हम पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम बाय अ पार्टिकल, राइट। सो आप पहले कॉन्सेप्ट को समझिए कि एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस होते हैं, बहुत सिंपल बोलता हूं, एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फिर तो उसका मीनिंग क्या हुआ, एक सेकेंड में तो ये टाइम कहां गया, डिनोमिनेटर में चला गया, वन अपॉन टाइम हो गया हमारा। सो जो वन अपॉन टाइम आया तो ऑब्वियसली वो क्या आया, सेकेंड इनवर्स आया, तो सिंपल उसका तो डायमेंशनल फॉर्मूला एकदम क्लियर हो गया, दैट इज टी माइनस वन। हाँ, आप देख सकते हो उसके दूसरे यूनिट्स साइकल्स पर सेकेंड, CPS शॉर्ट में बोलते हैं, हर्ट्ज, ये है ना, वेव्स चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें ये यूनिट बहुत काम आएगा, याद रखना हर्ट्ज, राइट, साइंटिस्ट है उनके नाम पर से रखा हुआ है। सो फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में क्या याद रखोगे आप, सिंपल कॉन्सेप्ट इतना दिमाग में जाना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर
यूनिट टाइम बाय पार्टिकल। हाँ, आप ये पॉइंट रीड कर सकते हो अभी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। लेकिन इसको मगअप नहीं करना है, पहले हम ये समझते हैं कि ये टाइम पीरियड क्या है, राइट? ओके, तो देखो, जब टाइम पीरियड अगर हमें डिफाइन करना है तो उसे हम दूसरी लैंग्वेज में पीरियोडिक टाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टाइम। तो पीरियोडिक टाइम का सिंपल मीनिंग क्या है, तो मैं एक सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन आपको बोलूं, तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल, मान लो कि कोई एक पार्टिकल है वो ऑसिलेट हो रहा है, और वो ऑसिलेशन में उसका जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमें नोट डाउन करना है कितने पॉइंट के लिए, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। याद रखना, क्या बोला मैंने, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मींस कोई एक पार्टिकल को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और दूसरा, उसे हम नाम क्या भी दिया है, पीरियोडिक टाइम, राइट? हाँ, और दूसरा मैं उसको सिमिलर वर्ड्स में बोलना है तो क्या बोलूंगा, इट इज द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल आफ्टर विच द ऑसिलेटरी मोशन रिपीट्स। इट इज द स्मॉलेस्ट इंटरवल टाइम आफ्टर विच द ऑसिलेटरी मोशन रिपीट्स एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। तो उसका तो डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सीधा ही लिखना है T1, बिकॉज हम यूनिट लेते हैं ना सेकेंड, तो उसका फॉर्मूला तो ये हो गया। लेकिन इसका आप अगर इन्वर्स करोगे, क्योंकि आप देख सकते हो पीरियोडिक टाइम था तो हमने 1/T लिखा, तो हो गया रेसिप्रोकल। तो दो चीजें अपने दिमाग में अच्छी तरह से जानी चाहिए। पहला, अगर एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है और उसके लिए जो टाइम लगा उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे तो उसको हम पीरियोडिक टाइम बोलेंगे। और सिंपली अगर आप टाइम फिक्स कर दो, माने एक सेकेंड ले लिया, और वो एक सेकेंड में कितनी बार पार्टिकल ऑसिलेट होता है वो अगर आप फाइंड करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। सो इसका फॉर्मूला T-1 और इसका फॉर्मूला T1, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये दोनों, याद रखना। नाउ आफ्टर दैट, ओवर हियर वन ऑफ द मोस्ट आइडेंटिफाइड पॉइंट, एन इंपॉर्टेंट वन, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क। तो सबसे पहले याद रखो ये टॉर्क है क्या, राइट? ये टॉर्क है क्या? तो टॉर्क को हम दूसरी लैंग्वेज में बोलना हो तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ फोर्स। इट इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो पहले आप बोलोगे कि भाई मोमेंट ऑफ फोर्स भी क्या होता है, मैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल देता हूं और उसके रिलेशन में आप इस चीज को समझिए कि मान लो कि आपके घर में कोई ऐसा एक डोर है, बराबर? ये डोर में समझ लो, ये डोर को ये वॉल के साथ यहां पर फिक्स कर दिया, ये वॉल है, ओके? ये क्या है, वॉल है। अभी ये डोर को आप जब हैंडल लगा रहे हो तो कहां पे लगा रहे हो, यहां पे लगा रहे हो, ओके? आप यहां तो लगाते नहीं हो हैंडल को, आप हैंडल को यहां पे लगाते हो, क्यों? क्योंकि इसका ये मोमेंट आपको मिलना है, मींस इसको अगर ओपन करना है, इसको अगर ओपन करना है तो इस डायरेक्शन में आप उसको फोर्स लगा सकते हो। सो बेसिकली क्या हुआ, ये जो वॉल देख रहे हो ना, वो उसकी क्या हो गई, एक्सिस हो गई। यू कैन सी दिस, ये उसकी क्या हो गई, एक्सिस हो गई। और ये एक्सिस से आप ये देख सकते हो, ये जो एक्सिस है ना उससे आप देख सकते हो, इतना जो डिस्टेंस यहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ ना एक्सिस से, ये मैं सेंटर पॉइंट बोल देता हूँ, ये एक्सिस से उसका क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। नाउ यू कैन सी दिस, ये जो एक्सिस थी ना, ये जो एक्सिस थी, अभी आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना, ये जो एक्सिस थी उससे ये डिस्टेंस हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर दिया। दैट मीन्स बहुत सिंपल सा मैं फोकस करता हूँ, फोर्स आप यहां लगाने वाले हैं और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उनके बीच का एंगल आप देखिए, आप ऑब्जर्व करना, जो डोर्स होते हैं ना उसमें 90 डिग्री रिलेशंस भी, जब टर्न करते हो तो कंप्लीटली ऑब्वियसली हम 90 डिग्री रिलेशन को भी सोच सकते हैं। तो अभी तो ये सिंपल सा पॉइंट हो गया,
कि कोई भी अगर टॉर्क बोलना है, टॉर्क को डिनोट करता है टाउ से, प्रोनाउंसिएशन याद रखना टाउ है राइट, और लिखने की मेथड भी समझ लेना। तो टॉर्क है क्या, सिंपल फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं उसके साथ रिलेशन किसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। बेटा याद रखो कि जैसे मैंने एंगुलर मोमेंटम बोला था ना अभी, एंगुलर मोमेंटम को क्या बोला था, एल बोला था, उसको मैंने क्या बोला था, लीनियर मोमेंटम को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो। याद रखो लीनियर मोमेंटम को परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला था, एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम में से एंगुलर मोमेंटम तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया। अभी एज सिंपल एज दैट, ये जो फोर्स है ना उसका दूसरा वर्जन बोलूं तो उसे मैं क्या बोलूंगा, टॉर्क। लेकिन क्या करना पड़ेगा, फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली जो हुआ ना उसे हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। और सिंपली बोलू ना मींस रोटेशनल मोशन में जो फोर्स लगता है ना उसको हमने एक नया नाम दिया जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, और एल्स इट इज ऑल्सो नोन एज टॉर्क। तो ये बेस पॉइंट हमारा यहां पर मिल गया टॉर्क का। अभी ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वैल्यू भी यहां पर अवेलेबल हो गई। अभी इस फॉर्मूला के कंसेप्ट में तो आप जाओगे तो आपका ओल्ड ही फॉर्मूला आपको दिखता है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम वन एल वन टी माइनस टू, और जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, दैट इज एल वन ऑब्वियसली। तो उस केस में अगर आप यहां पर जाओगे तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, बोलो, एम वन एल टू टी माइनस टू। वंस अगेन यू कैन रियलाइज ओवर हियर कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हुआ, जो वर्क डन का फॉर्मूला था ना उस टाइप का ही ये फॉर्मूला हुआ। और आप याद करना, हमें हमारे प्रीवियस सेशंस आप देख लेना, हीट कॉन्सेप्ट के सारे फॉर्मूला कराए, वर्क डन का फॉर्मूला करवाया, और ये नया आया टॉर्क। मीन्स बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर कोरिलेट हो रहे हैं। सो प्लीज मेक श्योर एक बार अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर देना कि टॉर्क है तो टॉर्क बेसिकली क्या है, रोटेशनल मोशन का फोर्स। तो मैंने क्या नाम दिया, मोमेंट ऑफ फोर्स। मैंने एक डोर का एग्जांपल दिया कि डोर को हम वॉल के साथ अटैच करते हैं, फिर हैंडल होता है, तो ये बीच में ये डिस्टेंस हुआ, यहां पर जब फोर्स लगाते हैं तो ये फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, टॉर्क। हाँ, रोटेशनल मोशन में इसकी तो बहुत सारी डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें आप इतना याद रखोगे, दैट इज मोर देन सफिशियंट। सो टॉर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैं बोलू ना तो ये समझने ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये तो सब ओल्ड है, ये तो सब पुराना आपने डिराइव किया हुआ है ऑलरेडी, सो परफेक्ट विद दिस। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वंस अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर रोटेशनल मोशन, याद रखना इसके बहुत सारे डेरिवेशन आएंगे, इसके फॉर्मूला आएंगे, और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक सिंपल वर्ड में पहले बताना चाहूंगा कि जब हम कोई भी स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं तो उसमें जैसे हम मास को प्रीफर करते हैं ना, वैसे ही जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो वो रोटेशनल मोशन के लिए हमें क्या बोलना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो उसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद करेंगे, रोटेशनल मोशन में मास की जगह किसको याद करना रहेगा, रोटेशनल मोशन में मास की जगह किसको याद करना रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अभी आप सिर्फ उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखिए, बाकी सब डिटेल्स वो चैप्टर में आने वाला है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला आई इज इक्वल्स टू क्या है, एम आर स्क्वायर। क्या है, एम आर स्क्वायर। आप देख सकते हो मास है उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसका तो डायमेंशनल फॉर्मूला एकदम सिंपल रहेगा आपके लिए। देखो मास है तो मैं क्या लिख दूंगा, किलोग्राम, और इसको क्या लिख सकता हूँ, मीटर स्क्वायर। हाँ, और करके अगर आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हो, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गए इसके दो सिंपल यूनिट्स। अभी चलो आप सिंपली डिराइव कर सकते हो, मेरे हेल्प की कोई जरूरत नहीं है वैसे तो। ये मास है वो वन टाइम हो गया, ये डिस्टेंस है वो L2 हो गया, टाइम है नहीं, तो फाइनली क्या हो गया, जीरो। सो
अभी के लिए ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो उसको डिनोट करते हैं आई से। उसके बाद उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रख लेना है, एम आर स्क्वेयर, एम क्या है मास और आर क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उसको अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। याद रखना, जैसे हम लीनियर मोशन के कंसेप्ट में मास को आइडेंटिफाई करते हैं ना, जब हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो मास की जगह हमें क्या बोलना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्लीज कीप इन माइंड। सो आई होप दैट कि ये अराउंड हमने 8 कॉन्सेप्ट्स यहां पर डिस्कस किए हैं, राइट? सो वो सारे 8 कॉन्सेप्ट्स में आपको पहले ये सोचना है कि जो मैंने प्रीवियसली बेसिक मैकेनिक्स के डायमेंशनल फॉर्मूला करवाए थे उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसका रिलेशन रोटेशनल मोशन में क्या है। तो पहले तो आप देख लो, जब एंगुलर मोमेंटम के सारे रिलेशन आए तो वो एंगुलर मोमेंटम के रिलेशन में हमने बहुत सारे आइडेंटिफिकेशंस यहाँ पर देखे थे कि उसके जो बेसिक्स है उसको याद करके ही ये सारे फॉर्मूला अगर आप लर्न करोगे तो बहुत इजी है। जैसे कि प्लेन एंगल हमने समझा था तो उसके ऊपर से सारे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन क्लियर हो गए। फिर आप दो पॉइंट्स एक साथ याद रखना, एक है एंगुलर मोमेंटम और दूसरा है टॉर्क, तो उसमें भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रिलेशन आया, देन फ्रीक्वेंसी एंड पीरियोडिक टाइम एंड फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को लेकर हम हमारे नेक्स्ट सेशन में आएंगे। स्टे कनेक्टेड विथ अस, थैंक यू।